नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो मैं इसमें हम लोग 7 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 7वां चैप्टर था कृषि से संबंधित। तो याद रखिए, जितने भी चैप्टर हो चुके हैं वो सभी आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। ये सभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, याद रखिए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की सघनता और अधिक उपज प्रदान करने वाली फसलों को बढ़ाकर ही संभव है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के किसी कृषि क्षेत्रों की सिंचाई का पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। सिंचाई की सुविधा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। सिंचाई के साधनों की मुख्य आवश्यकता वर्षा के असमान वितरण के कारण होती है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं कि किसी भी खेती के लिए या कृषि के लिए हमें सबसे ज़रूरी पानी आवश्यक रहता है, कि उसे पानी टाइम से मिलता रहे जल, ठीक है। इसके लिए सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती हैं और मानव के पीने के लिए भी पानी ज़रूरी है। पानी बहुत ही ज़रूरी रहता है कई उद्योगों के लिए भी, तो इसलिए यही सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो इनमें किस सिंचाई के लिए कुओं के द्वारा सिंचाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं गंगा की घाटी के क्षेत्रों में कुआ सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है, याद रखना। तालाब द्वारा सिंचाई, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर है नहरों द्वारा सिंचाई। नहरों द्वारा सिंचाई प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। नहरों द्वारा 20.9% से अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नलकूप द्वारा की जाने वाली सिंचाई की कुल सिंचाई है 70.8%। अब हम लोग इसमें बात करते हैं मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। जो मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं उन्हें देखते हैं। प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक लघु, मध्यम एवं बेहद सिंचाई परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। गोकुल बैराज परियोजना, पहली कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना। आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गोकुल बैराज से आगरा और मथुरा की पेयजल की जो समस्या है पीने वाले पानी की, उसे उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर है गंगा बैराज कानपुर में। कानपुर नगर की जल आपूर्ति की समस्या के लिए इस योजना को चलाया गया। गंगा घाघरा दोआब राज्य के सबसे बड़े प्राकृतिक भाग में क्षेत्रफल 80.24 लाख हेक्टर तथा बोया हुआ क्षेत्रफल 69.87 लाख है, इसी समस्या के लिए चलाया गया है, जिससे इनकी सिंचाई हो सके, ठीक है। फिर है आपका शारदा नहर प्रणाली जल संघ, शारदा नहर प्रणाली जल संघ सुधार परियोजना। राज्य की इस सबसे लंबी नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1928 में गंगा घाघरा द्वाब के 25.50 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करता है। यह नहर चंपावत जिले के वन बसा स्थल उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के निकट शारदा नदी से निकलती है। शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 97,043 किलोमीटर है। इस नहर से पीलीभीत, चंपावत, बरेली, ऊधम सिंह नगर, शाहजहाँपुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर तथा लखनऊ में सिंचाई की जाती है। फिर है शारदा सहायक परियोजनाएं। लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अम्बेडकर नगर तथा गाजियाबाद, गाजीपुर जनपदों की आपूर्ति हेतु इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। फिर है आपका ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। इस परियोजना को मार्च 1991 में स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर जनपदों के क्षेत्र शामिल हैं। फिर है आपकी सरयू नहर परियोजना। वहराई, श्रावस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, वस्ती एवं गोरखपुर जनपदों में घाघरा, सरयू एवं ताप्ती नदियों से उपलब्ध जल द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर है आपकी बाण गंगा बांध एवं नहर प्रणाली।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन वार सागर नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई है। ठीक, फिर आपका राजघाट, राजघाट और राजघाट नहर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर राजघाट के निकट यह परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना का निर्माण बेतवा नदी परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। ये बांध हैं आपके, ये नदी हैं, समीपवर्ती नगर हैं और ऊंचाई हैं इनकी। तो सबसे बात करते हैं जिरगो जलाशय। 1958 में जिरगो नदी पर है, मिर्जापुर में, 30 मीटर ऊंचा है। माता टीला, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं बांध, ये भी 1958 में बेतवा नदी पर है, झांसी के पास, 46 मीटर ऊंचा है। रिहंद गोविंद वल्लभ पंत सागर 1961 में रिहंद नदी पर है, पीपरी सोनभद्र के पास, ठीक है, 91 मीटर ऊंचा है। मुसा कहंद, ये कर्मनाशा नदी पर है, चंद्रौली में के पास, 34 मीटर ऊंचा है। फिर है रामगंगा बांध 1978 में, ये रामगंगा नदी पर है, धामपुर बिजनौर के पास है, 128 मीटर ऊंचा है। फिर रामगंगा काठी बांध 1978 में ही, ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर के पास, 71 मीटर ऊंचा है। कन्हार बांध, ये कन्हार नदी पर है, दुधी सोनभद्र के पास है, 39 मीटर। मेजा जलाशय बांध, ये बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में, 45 मीटर ऊंचा है। फिर आपका नेवाड़ी बांध, ये सोनभद्र के पास है, ओरा बांध मिर्जापुर, रैसिन बांध चित्रकूट। पथरई बांध की बात करें तो ये पथरई नदी पर है, झांसी के पास। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। मोहिदा बांध दिरवा नदी पर है, हमीरपुर के पास। गुंटा बांध चित्रकूट में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, महोबा के पास। ठीक है, एक थे हमारे प्रमुख बांध। अब बात करते हैं हम लोग अगली सिंचाई परियोजना है, बदायूं सिंचाई परियोजना। बरेली जिले में रामगंगा नदी पर 674.50 मीटर लंबा बैराज बनाकर बरेली जिले के अलावा बदायूं एवं दांतागंज तथा शाहजहांपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बदायूं सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। जरौली पंप नहर परियोजना, इस परियोजना में फतेहपुर जनपद के आसाधन विकास खंड के एनजी कोटवा गांव में यमुना नदी के बाएं तट पर एक पंप गृह प्रस्तावित है। फिर है आपकी ऊपरी गंगा नहर सिंचाई आधुनिकरण परियोजना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंगा यमुना द्वाब में रवि फसल की सिंचाई व्यवस्था हेतु वर्ष 1854 में ऊपरी नहर का निर्माण किया गया। फिर है आपका राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना। ये आगरा जनपद की तहसील वाह एवं इटावा जनपद की तहसील इटावा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चंबल डाल नहर परियोजना निर्माणाधीन है। फिर है आपकी मध्य गंगा नहर परियोजना। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण 1978 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण 115.54 किलोमीटर लंबी प्रमुख नहर को गंगा नहर में 190.8 किलोमीटर पर मिलाया गया। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद आदि जनपद। फिर आपकी समांतर मांट शाखा एवं समानांतर हाथरस शाखा। मध्य गंगा नहर योजना में समानांतर मांट शाखा एवं समानांतर हाथरस शाखा की कुल 86.0 किलोमीटर लंबाई में नहरों का निर्माण प्रस्तावित है। फिर मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण। गंगा नदी के बाएं किनारे से बिजनौर से निर्मित बैराज से गंगा एवं राम गंगा द्वाब में मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर, बदायूं तथा बरेली जिले के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य गंगा नहर परियोजना प्रस्तावित है। फिर आपकी कन्हर सिंचाई परियोजना। सोनभद्र जिले की दुधी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कन्हर नदी पर उपयोग की
उपयोग करने की योजना है। मोहिदा बांध परियोजना, यह परियोजना हमीरपुर जनपद की मोहिदा तहसील में छानी ग्राम के निकट बिरमा नदी पर निर्माणाधीन है। बात करते हैं प्रमुख उत्तर प्रदेश की, हम लोग प्रमुख नहरें देख लेते हैं। ठीक, ये नहरें ये उद्गम स्थल एवं संबंधित नदी पर लाभान्वित होने वाले जिले, तो यह पूर्वी गंगा, पूर्वी यमुना नदी, पूर्वी यमुना नहर, ये आपकी है सहारनपुर के फैजाबाद स्थान के निकट है यमुना नदी पर। इससे लाभान्वित जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। ठीक, फिर है आपकी आगरा नहर, ये आपकी है ओखला यमुना नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर। फिर ऊपरी गंगा नहर, तो ये आपकी हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी पर। इससे लाभान्वित जिले हैं आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फरुखाबाद, फतेहपुर। ठीक है, फिर निचली गंगा नहर, ये नरोरा बुलंदशहर गंगा नदी में पर। इससे लाभान्वित होते हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, इटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद। फिर है शारदा नहर, राज्य की सबसे लंबी नहर है याद रखना, यह बनबसा के निकट उत्तराखंड नेपाल सीमा पर गोमती नदी पर है। इससे लाभान्वित होते हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, फिर है आपकी बैतराबा नहर, ये परीक्षा के निकट झांसी के पास है, बैतवा नदी पर है। ठीक है, झांसी, जालौन और हमीरपुर से लाभान्वित होते हैं। कैन नहर, ये पन्ना मध्य प्रदेश यमुना की सहायक कैन नदी पर है, इससे लाभान्वित होता है आपका बांदा यूपी का। घाघरा नहर, सोन नदी के सहायक नदी घाघरा पर है, इससे लाभान्वित होते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र। धसान नहर, बैतवा की सहायक नदी है धसान नहर, ठीक है, उसी पर है हमीरपुर, इससे लाभान्वित होता है। फिर सपरार नहर, ये मऊरानीपुर निकट झांसी के पास है मऊरानीपुर, इसी के निकट करौंदा गांव सपरार नदी पर है, झांसी और हमीरपुर इससे लाभान्वित होते हैं। फिर है आपकी गुरसराय एवं मंदर नहरें, रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहरें, माता टीला झांसी के पास बैतवा नदी पर, इससे भी हमीरपुर होता है और जालौन इससे लाभान्वित। फिर है अर्जुन बांध सागर, बांध नगर, यह है निकट चरखारी हमीरपुर के पास अर्जुन नदी पर, इससे हमीरपुर लाभान्वित होता है। रंगेवा बांध पर नहर, मध्य प्रदेश कैन की सहायक नदी बरने बांधा पर है। बेलन टोंस नहर, रीवा मध्य प्रदेश टोंस की सहायक नदी बेलन पर, प्रयागराज, इलाहाबाद में। फिर नगवा बांध नहर, नगवा कर्मनाशा नदी पर है, मिर्जापुर, सोनभद्र। नौगढ़ बांध नहर, नौगढ़ गाजियापुर कर्मनाशा नदी पर है, चंद्रौली, वाराणसी एवं जमनिया, गाजीपुर में। चंद्र प्रवाह बांध नहर, ये चकिया वाराणसी के पास है चंद्र प्रवाह नदी पर, इससे लाभान्वित होते हैं चकिया, चंद्रौली, वाराणसी की तहसीलें हैं ये। फिर है बाणगंगा बैराज नहर, ये होती है आपकी सोहरत्रगढ़ बस्ती बाणगंगा पर है, इससे लाभान्वित होता है बस्ती। अहरोरा बांध नहर, ये अहरोरा वाराणसी में गड़ई नदी पर, वाराणसी एवं मिर्जापुर इससे लाभान्वित होते हैं। गंडक नहर, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर है बूढ़ी गंडक नदी पर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया इससे लाभान्वित होते हैं। सरयू अथवा घाघरा नहर, नानपारा बहराइच के पास है घाघरा नदी पर, इससे बहराइच, जयप्रकाश नगर, गोंडा बस्ती से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में जनपदवार नहरों की लंबाई। ठीक है, तो ये राजस्व मंडल है, ये जनपद है कुल लंबाई किलोमीटर में। ठीक है, सहारनपुर, सहारनपुर मुजफ्फरपुर, सहारनपुर में 835.50 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर में 1340.10 किलोमीटर। फिर आपका मेरठ है, मेरठ में मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर बागपत। ठीक, इनको देख लीजिए क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कभी पॉइंट में अगर आ जाए
कहीं आंकड़े तो डालना पड़ेगा, ठीक है, डालने की हो जाएंगे मेंस में, आंसर राइटिंग में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और वैसे भी PDF हम उसी पे डाल देते हैं यार, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये आपका इस तरफ भी, ये वाराणसी है ऊपर, तो सबसे पहले एक बात करते हैं हम लोग, एक कच्छ नौदा बांध परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जिले की महरौनी तहसील में सजनम नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का उद्देश्य ललितपुर जिले में गोविंद सागर बांध की नहर प्रणाली को के टेल भाग में सिंचाई की कमी की पूर्ति करना है। फिर है आपकी गुंटा बांध परियोजना। चित्रकूट जनपद में रेपुरा गांव के निकट गुंटा नाला पर निर्माणाधीन है ये बांध। फिर है आपकी चरखारी डाल नहर परियोजना। यह परियोजना मोहदा बांध परियोजना का एक भाग है। महोबा जिले में चरखारी तहसील में सिंचाई उपलब्ध कराना हेतु है इसका। फिर है भोरंट ओटारी बांध परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जिले की महरौनी तहसील में जामनी बांध से निकलने वाली बाई जामनी नहर के टेल कमांड में सिंचाई की जाती है। पथरई बांध परियोजना। झांसी जनपद की मऊरानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथरई नदी पर निर्माणाधीन परियोजना है। पूर्वी गंगा नहर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोंडा से इसकी ये बाई ओर 48.55 किलोमीटर लंबी व 137.4 क्यूसेक शीर्ष क्षमता की प्रमुख नहर निकाली गई है। मुख्य नहर से 5 शाखाएँ चंदोक, नगीना, नाजियाबाद, नठोर, अलावलपुर, ठीक है। फिर आपकी राजघाट बांध परियोजना। इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर जिले लाभान्वित होते हैं। फिर लखवाड़ी बांध परियोजना। इस परियोजना से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले लाभान्वित होते हैं। जमरानी बांध परियोजना। इस परियोजना से रामपुर, बरेली की तराई एवं भावर क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। फिर बेवर फीडर परियोजना। निचली गंगा नहर प्रणाली की वर्तमान बेवर शाखा के अंतिम आने पर मैनपुरी व इटावा जनपदों में पानी की कमी को दूर करने हेतु काली नदी पर मोहर घाट के समीप एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंचाई, लघु सिंचाई के बारे में। विदेश में लगभग 70% लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। इनमें से लगभग 79% सिंचाई निजी साधनों से की जाती है। विदेश में लघु सिंचाई संबंधी निम्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, कौन कौन से हैं? निःशुल्क बोरिंग योजना। सामान्य श्रेणी के लघु सीमांत एवं अनुसूचित जनजाति और जाति के कृषकों हेतु यह योजना 1985 से चल रही है। इसमें 5, 7 या 10 हज़ार दिए जाते हैं, ठीक। हैवी रिंग मशीन द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना। यह योजना कठिन स्टेटा वाले पठारी क्षेत्रों में चल रही है। इसके में किसानों को सरकार द्वारा लागत का 50% अधिकतम 1 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। इसमें 60 मीटर से अधिक की गहराई की बोरिंग की जाती है। फिर इनबेल रिंग मशीनों द्वारा पथरीले स्थानों पर बोरिंग योजना। यह योजना बुंदेलखंड व इलाहाबाद, आगरा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों में चल रही है। इनमें भी सरकार द्वारा लागत का 50% अधिकतम और 7500 का अनुदान प्रदान किया जाता है। फिर है आपकी मध्यम गहराई नलकूप योजना। यह योजना 2004 से 2005 में प्रारंभ की गई। इस योजना में सरकार द्वारा 50% का अधिकतम 7500 का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें 31 से 60 मीटर गहराई तक बोरिंग की जाती है। चेक डैम निर्माण योजना। विदेश के पठारी क्षेत्रों में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के साथ भूगर्भ जल को अधिक से अधिक रिचार्ज करने के लिए नदी नालों पर चेक डैम बनाने संबंधी यह योजना 2008-09 से चलाई जा रही है। फिर आर्टिजन बेल योजना। जालौन में नदी गांव ब्लॉक में पाताल तोड़ कूप बनाए जाते हैं। इस योजना में हेडपंप आर्टिजन बेल के लिए कुल लागत का
50% अधिकतम 5,000 और मशीन निर्मित बैल की 50% अधिकतम 15,000 तक का अनुदान दिया जाता है। फिर आपका सामुदायिक विलास्ट बैल योजना, यह योजना प्रदेश के झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली जिले के 29 पठारी अर्ध पठारी ब्लॉकों में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उन स्थान पर लागू है जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है। इस योजना में 6 मीटर व्यास के 15 मीटर गहरे कूप का निर्माण किया जाता है। फिर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना नवंबर 2012 में से संचालित यह योजना भी गहरे स्टेटा वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है जहाँ निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत कृषक बहुल समूह को अधिकतम 3,52,000 का अनुदान, जबकि STSC BC अल्पसंख्यक श्रेणी के बहुल समूहों को अधिकतम 5,00,000 का अनुदान दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, फिर है भूगर्भ जल कार्यक्रम। प्रदेश की भू जल संपदा एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन, आकलन, सर्वेक्षण, नियोजन, विकास हेतु दिशा निर्देशन तथा प्रबंधन के लिए 1975 में भू गर्भ जल विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के अंतर्गत राज्य के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर मापन हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन का नेटवर्क स्थापित है, जिन पर 6 बार जनवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर व नवंबर जल की मॉनिटरिंग की जाती है। 2010-11 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 9,170 तथा शहरी क्षेत्रों में 1,770 हाइड्रोग्राफ स्थापित थे। भूगर्भ जल के नियोजित विकास व प्रबंधन हेतु जनपदवार विकास खंडवार भूगर्भ जल का आकलन किया तथा विकास खंडों का वर्गीकरण अति दोपित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल तथा सैप श्रेणी में GEC 97 के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। भूगर्भ जल की सघन मॉनिटरिंग हेतु हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशन नेटवर्क के विस्तार हेतु फौजी मीटर का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत को इकाई मानकर 5x5 किलोमीटर ग्रेड पर तथा शहरी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई जोन को इकाई मानकर 2x3 किलोमीटर ग्रेड पर किया जा रहा है। प्रदेश के सभी विकास खंडों के भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों से एकत्रित किए जाने वाले जल नमूनों से भूजल की रासायनिक गुणवत्ता का आकलन अनुसरण कृषि उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। फिर आपका GIS बेस मानचित्र। इस विभाग द्वारा भूगर्भ जल से संबंधित विकास खंडवार विविध प्रकार के GIS आधारित मानचित्र तैयार किए जाते हैं जिसका उपयोग अन्य विभाग किसी विकास कार्यक्रम को तैयार करने में करता है। फिर है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग। वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्जिंग हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी भवनों में पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं एल्यूवियम क्षेत्रों में तालाबों तथा पठारी क्षेत्रों पर कोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाता है। फिर पेयजल गुणवत्ता अनुसरण एवं निगरानी। प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों का गंधलापन pH क्लोराइड कठोरता आयरन नाइट्रेट फ्लोराइड अवशेष क्लोरीन एवं जैविक परीक्षण के लिए अनुसरण एवं निगरानी हेतु ग्राम पंचायत जनपद एवं राज्य स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। फिर है आपका जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण। अंधाधुंध भूगर्भ जल दोहन पर लगाम लगाने के लिए 2010 में जल प्रबंधन संबंधी एक कानून बनाकर उसको कड़ाई से लागू करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया। अत्यधिक भू जल दोहन को अपराध की श्रेणी में लाते हुए दोषी को 1 साल की कैद या सजा, प्रतिदिन 20,000 के हिसाब से अधिकतम 1,00,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में 0.5 हॉर्स पावर या ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 हॉर्स पावर से अधिकतम के पंप बिना अनुमति के नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भूजल के व्यवसायिक यूजर को अब न केवल
अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जबकि अब जितने भूगर्भ जल का उपयोग करेगा उससे ज़्यादा उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था से रिचार्ज करना पड़ेगा। वाटर यूजर से फीस लेने की व्यवस्था भी की गई है। अब 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित भवनों के रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में कम से कम 5% भूमि पर भूजल रिचार्ज जलाशय अनिवार्य है। आवासीय भूखंडों में 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड के अंदर कम से कम एक पेड़, 200 से 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों में दो पेड़, 300 से 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों में चार पेड़, समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टर 50 पेड़ व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में प्रति 50 परिवार या न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर समूह के रूप में पेड़ लगाना अनिवार्य है। बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में 80 मीटर वर्ग मीटर भूखंड पर एक पेड़ की दर से पेड़ लगाना बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों को। आवासीय क्षेत्र में सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक करना जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15% होना अनिवार्य है। फिर भूगर्भ जल प्रभावित क्षेत्र, प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, आगरा, प्रतापगढ़, झांसी, मुरादाबाद, मथुरा, बांदा, मिर्जापुर, गाजियाबाद, रामपुर, बागपत, इलाहाबाद, सहारनपुर, 36 जिले के 108 ब्लॉक अति दोहित विकास खंड के रूप में चिन्हित किए गए तथा इन ब्लॉकों में भू जल सुधार कार्यक्रम गंभीरता से चलाए जाने की आवश्यकता है। उपयुक्त 108 ब्लॉकों में से सर्वाधिक 66 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, अब ये पॉइंट में दिए गए हैं। ऑनलाइनर में कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। नहरों का 20.9% से अधिक सिंचाई की जाती है नहरों से। राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के रेहंद बांध की ऊंचाई 91 मीटर है। उत्तर प्रदेश के रामगंगा की ऊंचाई 128 मीटर है। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर का उद्गम ओखला यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश की कैन नदी का लाभान्वित जिला है कैन नदी से बांदा। उत्तर प्रदेश का अर्जुन बांध नहर का उद्गम स्थल निकट चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी पर है। उत्तर प्रदेश की चंद्रप्रभा बांध नहर का उद्गम स्थल चकिया वाराणसी चंद्रप्रभा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में राजस्व मंडल एवं जनपद मेरठ और मेरठ की नहरों की कुल लंबाई है 758.10 किलोमीटर। पीलीभीत जनपद की नहरों की लंबाई है 971.0 किलोमीटर। उन्नाव जनपद की लंबाई है 1868.99 किलोमीटर। वाराणसी जनपद की लंबाई है 306.20 किलोमीटर। देवरिया जनपद की लंबाई है 411 किलोमीटर। राजघाट बांध परियोजना से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले लाभान्वित होते हैं। प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजना में कम से कम 5% भूमि पर भूजल रिचार्ज जलाशय अनिवार्य है। अब बात करते हैं हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, प्रश्न कोश, याद रखिए इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन डे एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हें देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुखता के साथ धान की सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी? तो याद रखना है आपको बिजनौर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टर है? तो याद रखना है 130.85 लाख हेक्टर। तीसरा क्वेश्चन है, सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है तीसरा। चौथा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन से होती है? तो याद रखना है कुएं और नलकूप से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच, उत्तर प्रदेश के शुद्ध सिंचित भूमि का कितना भाग नलकूपों से सींचा जाता है? तो याद रखना है 71.5%। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये बांध है और ये नदी है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, याद रखें। छः, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर है। ठीक, राजघाट को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध करते हैं। राजघाट बांध बेतवा सही है। मोदहा बांध ये बिरमा नदी पर, पथरई बांध पथरीली नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए 1928 में। आठवां क्वेश्चन है, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो याद रखना ए शारदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा नहर दिल्ली के समीप ओखला नहर नामक स्थान पर किस नदी से निकलती है? तो आपको बता देना है यमुना नदी से। क्वेश्चन नंबर 10, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, बांध का नाम और नदी। तो आपका इसमें 10 में होगा ए ऑप्शन सही, माता टीला बेतवा, मूसा कहन कर्मनासा, काठी रामगंगा और मेजा बेला नदी पर। 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है उससे संबंधित नदियों के नाम है, सूची दो है, रिहंद 11 सी होगा इसमें, रिहंद आपकी सोन नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना बेतवा नदी, बाणगंगा परियोजना बाणगंगा नदी पर, राम गंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। ठीक है, सी ऑप्शन है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखना पिपरी सोनभद्र। 12 का आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नहरें हैं स्थिति है इनकी, तो 13 में आपका सी ऑप्शन, पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद सहारनपुर, बाण गंगा बैराज सोहरतगढ़ बस्ती, अर्जुन बांध नहर चरखारी, निचली गंगा नहर नरोहा बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आप याद रखना बेतवा, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो याद रखिए 19.63। क्वेश्चन नंबर 66, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया? तो याद रखिए शारदा नहर पर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो याद रखना मध्य प्रदेश, 18 का डी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित हैं? तो आपको याद रखना है गंडक परियोजना, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हथनी कुंड बैराज जो कि यमुना नदी पर स्थित है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखना 5, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 21, नेवाड़ी बांध का समीपवर्ती नगर कौन सा है? तो याद रखिए आपका 21 में डी होगा, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, गंडक नदी से कौन सा जिला स्थान लाभान्वित हो रहे हैं? तो याद रखिए 22 का आपका होगा डी, तीनों गोरखपुर देवरिया महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 23, मेरठ जनपद में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 758.10 किलोमीटर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मुरादाबाद राजस्व मंडल में कितने जनपद होते हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद कानपुर राजस्व मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए उन्नाव, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंचाई से उनसे संबंधित परियोजनाएँ। अब आगे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है।